कल्पना कीजिए, देश युद्ध के दौर से गुजर रहा हो, रोज युद्ध के मैदान से सैनिकों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सैनिकों की मौत पर जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, दुश्मन को छोड़ अपने ही देश की सरकार पर सैनिकों के मारने के आरोप लगा रहे हों, फेसबुक ट्विटर पर सैनिकों की मौत से जुड़ी खबरों पर खुशियां व्यक्त कर रहे हों, तो उसे आप क्या कहेंगे? या तो देशद्रोही या फिर गद्दार। अगर आप इलीट क्लास से संबंध रखते हैं तो ऐसे लोगों को ट्रेटर कहेंगे। एक संस्था है क्लीन द नेशन, ये नाम उस संस्था का है जिसे बीते दिनों सोशल मीडिया पत्रकारिता नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था को पुरस्कार देते वक्त मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक मनमोहन वैद्य और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थीं। पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम है इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र, यानी IVSK। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर क्लीन द नेशन के बारे में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने क्लीन द नेशन को जमकर कोसा है और उस संस्था पर सवाल उठाए हैं। रवीश कुमार के लेख के बाद ये संस्था अचानक से चर्चा में आ गई है। रवीश कुमार ने इस संस्था के बारे में क्या कहा है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि क्लीन द नेशन है क्या। CTN यानी क्लीन द नेशन 15 फरवरी 2019 में अस्तित्व में आया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के अगले दिन 9 युवा फेसबुक पर एक ग्रुप बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं क्लीन द नेशन। अगर हिंदी में इसका मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब हुआ राष्ट्र की सफाई। इस ग्रुप का उद्देश्य इसके नाम से ही स्पष्ट है। यह ग्रुप सोशल मीडिया पर उन लोगों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था जो पुलवामा हमले से जुड़ी नकारात्मक चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, जो इस हमले से संबंधित खबरों पर खुशियां व्यक्त कर रहे थे, जो इस हमले से जुड़ी तस्वीरों पर हाउस द जैस लिख रहे थे, जो इस हमले को केंद्र सरकार की साजिश बता रहे थे क्योंकि सामने चुनाव थे। ऐसी पोस्टरों के खिलाफ CTN यानी क्लीन द नेशन के सदस्य शिकायत दर्ज कराते। जिस संस्था में ऐसे लोग थे उस संस्था पर दबाव बनवाकर उन्हें बाहर करवा रहे थे। जिन कॉलेजों में ऐसे लोग पढ़ रहे थे उन्हें उन कॉलेजों से सस्पेंड करवा रहे थे, हॉस्टल से बाहर निकलवा रहे थे, और इसे नाम दिया गया क्लीन द नेशन यानी राष्ट्र की सफाई देशद्रोहियों से। देश के हर हिस्से में ऐसे लोग थे जो पुलवामा हमले के बाद उलूल दुलूल पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे थे। छात्र, प्रोफेसर, पत्रकार सब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र वसीम हिलाल को हाउस द जैस ट्वीट करने के लिए निष्कासित किया गया। गुवाहाटी की एक कॉलेज की शिक्षिका प्रापी बनर्जी को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलवामा हमले के बाद एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें कश्मीर में अत्याचार के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे कई लोग थे जिनकी असलियत क्लीन द नेशन की वजह से उजागर हुई। अवार्ड देने वाली संस्था के सचिव वागिस इस्सर का कहना है कि क्लीन द नेशन को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि हमने देखा कि ये अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। बहुत लोग देश को प्यार करते हैं लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सक्रियता से प्यार करते हैं। अब आपको बताते चले कि रवीश कुमार ने अपने लेख में इस संस्था के बारे में आखिर लिखा क्या है। रवीश कुमार ने जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब 1984 का संदर्भ देते हुए लिखा है कि ऑरवेल की किताब में थॉट पुलिस यानी विचार पुलिस का जिक्र है, एक ऐसी संस्था जो हर नागरिक के मन में उभर रहे विचार को जान लेती है, नजर रखती है। कोई भी नागरिक पार्टी के खिलाफ सोच नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। रवीश कुमार ऑरवेल की किताब की विचार पुलिस से क्लीन द नेशन की तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों को अपने विचार रखने से रोकती है। लोग क्लीन द नेशन जैसी संस्था के डर से खुलकर बोलने से भी बचते हैं। रवीश कुमार के लिए विचारों के खुला प्रदर्शन का मतलब है मुश्किल के वक्त देश और उसकी सेना के बारे में कुछ भी उलूल जुलूल लिख देना। रवीश कुमार के लिए विचारों के खुले प्रदर्शन का अर्थ है शहीद सैनिकों की तस्वीरों के नीचे हाउस द जैस लिख देना। रवीश कुमार के लिए विचारों के खुले प्रदर्शन का मतलब है कि युद्ध के वक्त अपनी ही सेना पर सवाल उठा देना। तो विचारों के इन खुले प्रदर्शन को कुचलने की जरूरत है। एक आतंकी हमले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो छात्र जो हाउस द जैस लिखकर जश्न मना रहा था, क्या गारंटी है कि विचारों के खुलेपन की आड़ लेकर वो युद्ध के वक्त दुश्मन देश के साथ नहीं मिल जाएगा, घर का भेदी नहीं बन जाएगा? अगर कोई एक आतंकी हमले के वक्त अपनी ही देश को कोसता है, अपने ही देश के सैनिकों की मौत पर जश्न मनाता है,
तो फिर दूसरे पक्ष की भी ये अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं हुई कि वो ऐसे लोगों पर सवाल उठाए और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दे? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरफा होती है? मतलब तुम्हारी गालियां अभिव्यक्ति की आजादी और हमारी गालियां देश के लिए खतरनाक? रवीश कुमार अपनी एक तरफा नजरिए से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि क्लीन द नेशन जैसी संस्थाएं समाज के लिए खतरनाक हैं। हो सकता है वो समाज के लिए खतरनाक हो, लेकिन शहीद सैनिकों की तस्वीरों के नीचे हाउस द जैस लिखने वाली जमात देश और समाज दोनों के लिए उससे ज्यादा खतरनाक है। रवीश कुमार ने अपनी लेख में उन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वालों के बारे में एक शब्द नहीं लिखते, लेकिन क्लीन द नेशन जैसी संस्थाओं को गलत ठहराने में एक पल नहीं गंवाते। इस दोहरे मापदंड के साथ उन्होंने समाज को बचाने का ठेका ले रखा है।